ऑडियंस कैसे हैं आप? गूगल केयर में आपका फिर से स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा स्केप आइलैंड को सीरीज को बहुत पसंद किया आपने और ये हमारा स्केप आइलैंड सीरीज का लास्ट एपिसोड है। इसमें हम लोग फ्रेंड्स साथ हम लोग सबसे एडवेंचर वाला चीज को देखेंगे और जो हमारा बचा हुआ एडवेंचर वाला चीज है उसको इसमें हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे स्पेशल आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि यह चैनल आप ही का चैनल है और इसमें आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसमें आज हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसमें आप अपने वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो का जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है इस वीडियो के लास्ट में हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग इस एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं जो एस्केप आइलैंड का सीरीज है और ये लास्ट सीरीज है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर जब मैं वापस पटना जाऊंगा, अभी तो मैं फिलहाल अहमदाबाद में हूँ, तो उसको भी हम लोग जबरदस्त फिर से नया हॉट एयर बैलून जो हमारा छूट चुका था उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड, हम लोग फिर से आ गए उसी वापस जन्नत वाली दुनिया में जहाँ पर एडवेंचर का भरमार है। तो चलिए हम लोग मजा लेते हैं इस पल का और हम लोग चलेंगे वाटर रोलर के लिए। यार यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है ना वो देखने वाली है, यार मजा आने वाला है। आपको भी यहाँ वाटर रोलर के लिए एक्साइटमेंट है और ये वाटर रोलर का जो रोलर है ना हमारे पास आ रहा है। इंस्ट्रक्टर हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सर बताइएगा कैसे कैसे करना है। दोनों को एक लाइन में होके एक तरफ फेस करके घुटने पर फॉल करना है। ओके ओके, हम लोग को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, एक तरफ एक ही तरफ फेस करके दोनों को करना है, क्रॉलिंग करके आगे की ओर चलना है। और फ्रेंड, हम लोग वाटर रोलर के लिए तैयार है, देखिए। अरे हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा हम लोग किधर है यार। वाओ, क्या एक्सपीरियंस है। हम लोग थक गए, वो क्या एडवेंचरस है। इसका तो एक्साइटमेंट है ना। ओ माय गॉड, ओ इस पे तो हम लोग खड़ा भी नहीं हो पा रहे यार। यह बहुत ही सुपर एक्साइटिंग है, आप यहाँ पर आओगे तभी पता चलेगा फ्रेंड्स। हम लोग तो थक गए इसमें, इतना एडवेंचरस था। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, थकने से कोई काम नहीं बनेगा, इसके आगे भी बहुत सारे एडवेंचर है। तो चलिए हम लोग अभी हॉर्स राइडिंग के बारे में पूछते हैं। हॉर्स राइडिंग का क्या कॉस्ट है सर? हॉर्स राइडिंग का क्या कॉस्ट है, कितना लगता है? 200, कितना देर? 500 मिनट के लिए। और हॉर्स राइडिंग करने में जो राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है ना, इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता जो आपको हाई कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, सबसे मस्त जो पार्ट था ना हॉट एयर बैलून, वो हम लोग मिस कर गए क्योंकि उस दिन ट्रेनर नहीं अवेलेबल थे, जिसके चलते हम लोग को मतलब फिर से दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर से मैं कोशिश करूँगा कि इस मोमेंट को कैप्चर करूँ और आपके सामने लाऊँ। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस सीरीज का एस्केप आइलैंड और जिसको एस्केपेड आइलैंड कहते हैं उसके चारों वीडियो को देखिएगा तो आपको इस जगह से जाने का बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं करेगा फ्रेंड्स। और वाकई में बहुत ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही एडवेंचरस, फैमिली के साथ आप जा सकते हैं, बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने आगे के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग चलते हैं बोटिंग के लिए। और बोटिंग में जो मजा आने वाला है ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पर खुद फील कर सकते हैं। तो चलिए एंजॉय इट। हम लोग आ गए बोट के लिए। आप यहां पर आओ, आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। यह सुपर एक्साइटमेंट है फ्रेंड्स, आप यहां पर बोटिंग हर तरह के राइडिंग आप ले सकते हैं। बोटिंग है, हॉट राइडिंग है, आपका जिप साइकिलिंग है, जिप लाइनिंग है, हॉट एयर बैलून है, पारा मोटरिंग, सब तरह का आप यहां पर एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं। आप इतना किफायती रेट में फ्रेंड्स आप कहीं भी ये चार चार राइड नहीं ले सकते। यह पटना वालों के लिए जबरदस्त मतलब एक तरह का गिफ्ट है। आप यहाँ पर आओ और हर तरह के यहाँ पर राइड का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और इस
इसी एक्साइटमेंट के बीच अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एक एक सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। और मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए, और इसको एक्सप्लोर कीजिए, और इसको शेयर इतना कीजिए कि ताकि सबको पता चले कि पटना में भी एक्सप्लोर करने के एक्साइटमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ है। थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड हम लोग आ गए वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पर आप लोग को बताएंगे कि आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा गाइडलाइन को फॉलो करना है और थोड़ा सा टेक्निक को फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गाइडलाइन को फॉलो कर लेते हैं। उसमें से मेन जो गाइडलाइंस है वो यूट्यूब के अनुसार होना चाहिए और गूगल के टीम के अनुसार होना चाहिए, जिसमें से मेन है आपका एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, यह जो ऑनलाइन चिल्ड्रेन पॉलिसी है उसके अनुसार होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जो गाइडलाइंस है जिसको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ उसको यहाँ पर देखें और उसको फॉलो करना है फ्रेंड्स। आपको वीडियो का कंटेंट कॉपीराइट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, और यह न्यूडिटी नहीं होना चाहिए उस वीडियो में, ना किसी को हरास करने वाली वीडियो होनी चाहिए। ओवरऑल मानिए तो आपका उसमें क्रिएशन झलकना चाहिए, और मानिए तो यह बिल्कुल ही ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसे हर लोग देखकर लाइक करे और आपको अप्रिशिएट करे। और यस फ्रेंड, जब भी आप वीडियो भेजिए तो ज़रूर आप अपना लोकेशन के बारे में ज़रूर भेजिए, जैसे कि आप किस जगह का शूटिंग कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं, और उस जगह का कुछ खास है उसको आप ज़रूर भेजने का कोशिश कीजिए फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इसके बाद कुछ टेक्निक का बात कर लेते हैं। तो टेक्निक के लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना है फ्रेंड कि आप कहीं भी जगह पर जाइए तो सबसे पहले उसका एंट्री पॉइंट को रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद बीच में आप उसके पर्टिकुलर्स को, जो सब्जेक्ट है उसको आप फोकस कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, और लास्ट में आप चाहे तो एग्जिट करते समय का भी वीडियो ले सकते हैं। और फ्रेंड आगे दो तीन बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपका मोबाइल हॉरिजेंटल मोड में यानी कि लैंडस्केप मोड में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है। और इससे क्या होता है कि आपका जो हमारा यूट्यूब का जो फ्रेम है उसके मुताबिक फिट बैठता है। उसके बाद फ्रेंड जो आपको इवेंट को कैप्चर करना है वो बहुत ही हाथ को धीरे 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 स्टडी दम मूव करना है, अगर आप फास्ट मूव करेंगे तो आपका वीडियो उतना परफेक्ट नहीं आएगा फ्रेंड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड, आप जब भी ऑब्जेक्ट को आप शूटिंग कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट सेंटर में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो आपका आधा स्क्रीन खाली रह जाएगा और दूसरे तरफ छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखेगा। और दम ऑब्जेक्ट पर दम फोकस करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट दम थोड़ा सा है और पूरा स्क्रीन केवल ब्लैंक ही ब्लैंक आया, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पूरा स्क्रीन खाली ही आए। तो फ्रेंड इस तरह का थोड़ा सा टेक्निक्स अपनाइए, आपका वीडियो ज़बरदस्त बनेगा। और आप इसको बनाने के बाद आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर नंबर दे रखा है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आपके वीडियो को रिव्यू करेंगे, अगर हम लोग को अच्छा लगेगा, हमारे गूगल केयर टीम को अच्छा लगेगा तो ज़रूर आपके वीडियो को हम अपने चैनल पर डालेंगे। और अंत में आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूंगा फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में एक बार ज़रूर मैं बोलना चाहूंगा, मैं आपको इस नंबर पे कभी भी कॉल नहीं रिसीव कर सकता हूं, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड इस नंबर पे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, आप अपने वीडियो को पोस्ट कीजिए, मैं उसको एनालाइज करूंगा, उसके बाद आपके वीडियो को ज़रूर डालूंगा अगर ये हमारे क्राइटेरिया के अनुसार सटीक बैठेगा। तो फ्रेंड लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वाकई में आज से हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।